डिकोडिंग वाईटी एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पर आते ही पूरे यूट्यूब पर छा गया, यहां तक कि इसने अलगरों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या सीक्रेट है, क्या मिथ है इसके पास भाई, कौन सा रॉकेट साइंस है या फिर कौन सी गिदर सिंह है इसके पास कि यूट्यूब पर आते ही यूट्यूब पर छा गया। आज की वीडियो में भांडा फोड़ के रख देंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पता चले। जैसे मैंने पूरे चैनल को स्टडी किया तो मुझे चार चीजें यहाँ पर नजर आई, और भाई क्या बताऊं कि चौथी चीज ऐसी है इसको अगर तुमने भी समझ लिया तो समझो तुम भी भाई माई बाप बन गए YouTube के। पॉइंट नंबर वन, द फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, ये तो आपने सुना ही होगा लेकिन हकीकत इसकी क्या है आज की वीडियो में आप जानेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन आप अपनी वीडियो के अंदर ऐसा रखें जैसे व्यूअर क्लिक करे ताकि वो फिर एंड तक टिका रहे। आप ऐसी कोई बात कर दें जैसे व्यूअर को अच्छी लगे, खाली क्लिक बेट भी ना हो, उसमें झूठ भी ना हो। पॉइंट नंबर टू, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे वीडियो शुरू हुई अपना दुआ सलाम करना शुरू कर देते हैं, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मेरा ये छोड़ दें, सीधी काम की बात पर आए। आजकल के जमाने में किसके पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी फालतू की बकवास सुने। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि वीडियो कट्स एंड एडिटिंग। वीडियो कट्स और एडिटिंग आपकी एक ऐसी वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए जो कि आपकी बोरिंग से बोरिंग वीडियो को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। लेकिन कैसे, वीडियो एडिटिंग तो सीखनी पड़ेगी, लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं, और भाई छोड़ दो बाहर में जाओ, सबको जला दो कचरे में, मैं आपको बता दूं कैसे करना है आपको सब कुछ। अपने पास मोबाइल है जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी के चैनल मेरे पर क्लिक करके आपको वीडियो एडिटिंग की बहुत सारी एडिट्स वीडियो मिल जाएंगी, आपको उसको विजिट कर देना। अगर आप कहते हैं कि ये वाली नहीं तो मुझे नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट में आप बता देना, नेक्स्ट प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग आपको बता दूंगा आप किस तरह से कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। जिस पॉइंट नंबर फोर से बढ़ने से पहले एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, देखिए यूट्यूब के एल्गोरिथम और उसकी पॉलिसीज को समझना पड़ेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे जैसे न्यू व्यूअर्स आपके पास आते हैं, उनको आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर दोबारा वो आपकी वीडियो उनको सजेस्ट करता है। लेकिन अगर दोबारा आपने कोई गंदी वीडियो बना दी ना भाई और टॉपिक से हट के, तो वो कभी भी आपके ऑडियंस उस वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। ये बात हमेशा जहन में रखना, ये मेरी बात अगर आपको सही लगी हो तो कमेंट में भी यस लाजमी लिखना। तो चलिए पॉइंट नंबर फोर है थंबनेल एडिटिंग। आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इस थंबनेल के अंदर कुछ है, इस वीडियो के अंदर है कुछ, और ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ क्लिक बेट होना चाहिए। नहीं भाई, झूठ कभी भी नहीं बोलना, यूट्यूब की दुनिया में कभी भी झूठ नहीं बोलना, जो बात है सीधी बताना जैसे कि मैं बता रहा हूँ। थंबनेल एडिटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, पेड होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ये भी बताऊँगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, दुनिया का बेस्ट बेस्ट सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वो है पिक्सललिब, क्योंकि यहाँ पर आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का दोनों का काम कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान टूल है चलाने में, और इसके बारे में तो बहुत सारी वीडियो मैंने भी बना के रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए ये कमेंट में लाजमी बताना।